गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, पार्टनरशिप अकाउंट्स, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मीनिंग क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि जो आपका पार्टनर है वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, फर्म से वो अलग हो रहा है. जिस तरीके से एक पार्टनर ज्वाइन करता है पार्टनरशिप फर्म को, सेम मैनर में एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के भी जा सकता है. और उस केस में भी सेम चीज़ अप्लाई होगी कि जो पुराना आपका एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है और जो नया एग्रीमेंट है वो कंटिन्यू होता है, इफेक्ट में आता है. और जिसके बाद आप जो अपना बिजनेस है फर्म का वो कंटिन्यू होगा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ न्यू एग्रीमेंट. और वेरियस रीजंस हो सकते हैं कि क्यों एक पार्टनर रिटायर हो रहा है. म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पार्टनर की इनकैपेबिलिटी हो सकती है, हेल्थ ग्राउंड हो सकता है, ओल्ड एज हो सकता है. अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है उस केस में उसको आप ट्रीट कर सकते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट की तरीके से फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उस केस में भी वो फर्म से अलग हो गया है. तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों केसेस में जो पार्टनर है वो फर्म से अलग हो गया है. तो जब एक पार्टनर रिटायर होता है वो किन सर्कमस्टांसिस में रिटायर हो सकता है या कैसे जो है वो रिटायर हो सकता है? पहला है रिटन एग्रीमेंट, दूसरा है अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनर नहीं रहता फर्म में, तीसरा है अगर एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया है तो भी वो पार्टनर नहीं रहता है फर्म में. तो जब एक पार्टनर जो फर्म है उससे अलग हो रहा है तो जिस डेट को वो फर्म से अलग हो रहा है उस डेट तक का जो भी अमाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको ड्यू बनता है वो हमें उसे पे करना होता है. तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना अमाउंट पेबल होगा एक रिटायरिंग पार्टनर को? एक डेफिनेट अमाउंट जो है वो पे की जाती है रिटायरिंग पार्टनर को, और उस अमाउंट में इंक्लूड होती है उसकी कैपिटल, उसका शेयर गुडविल में, उसका शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, उसका शेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, उसका शेयर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में. तो इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद जो भी उसका अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में स्टैंड करता है वो आप उसे पे करते हैं. तो जब हम कर रहे हैं अकाउंट्स प्रिपेयर इन केस ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं? सबसे पहला है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जब सपोज तीन पार्टनर्स थे एक फॉर्म में, तीन में से एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो बाकी बचे दो पार्टनर्स आपके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई. तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. दूसरा, सपोज तीन पार्टनर्स थे, तीन डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पूरे प्रॉफिट को फॉर्म के, सपोज जो था 100%. अब अगर एक पार्टनर चला गया है तो वही 100% दो के बीच में डिवाइड होगा. इसका मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर बाकी के बचे दो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा. तो जो पार्टनर है, जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेन करेंगे शेयर. तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशो. देन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट. गुडविल के केस में यहाँ पे क्या चीज़ आएगी कि जब जो पार्टनर है वो छोड़ के जा रहा है फॉर्म को, तो जिस डेट को वो फॉर्म को छोड़ के जा रहा है उस डेट के बाद भी जो गुडविल आपने कमाई है, फॉर्म ने जो गुडविल कमाई है जिसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन था, उस गुडविल का बेनिफिट आपको उसके रिटायर होने के बाद भी मिलने वाला है. तो जो बेनिफिट उसके कंट्रीब्यूशन का आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसके लिए आप उसे आज कंपनसेट करोगे. तो यहाँ पर आपको उस गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, उसका ट्रीटमेंट करना है. और वो क्या होगा कि जो भी पार्टनर उसका शेयर गेन कर रहे होंगे वो उस गेनिंग रेशो में उस पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है उसे कंपनसेट करेंगे. देन रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम तरीके से जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे किया, डिवीजन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का, शेयर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, अमाउंट कितना उसे पेबल है ये डिटरमाइन करना पड़ेगा आपको, और एडजस्टमेंट कैपिटल की
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसके जाने के बाद, जब फर्म जो है वो कंटिन्यू है न्यू जो एग्रीमेंट से फर्म कंटिन्यू है उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए जो आपका डिसाइड हुआ है एग्रीमेंट में उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कैपिटल का। तो इन एडजस्टमेंट्स को हम इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कम हो जाते हैं फर्म में और उनका जो शेयर है प्रॉफिट में वो इंक्रीज हो जाता है, तो जो आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाती है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उन्हीं को हम देख रहे हैं। सबसे पहला है जब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स की वो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालने के बाद जितना भी जो प्रॉफिट बचा है जो पार्टनर्स बचे हैं वो उसी रेशो में शेयर करेंगे उसको जिस रेशो में वो पहले कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हम इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं फॉर्म में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ एक्स रिटायर्स वाई रिटायर्स एंड जेड रिटायर। रेशो है 3:2:1। अगर एक्स रिटायर हो जाता है तो एक्स का हिस्सा हमने निकाल दिया तो Y और Z की रेशो जो हुई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुई वो हो गई 2:1। अगर Y रिटायर हो रहा है तो रेशो रह गई 3:1 और अगर Z रिटायर हो रहा है तो रेशो रह गई 3:2। देन नेक्स्ट है जब जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिसीव कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक सर्टेन परसेंटेज में। इस केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस केस में हम क्या करते हैं इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में पहले समझते हैं। सपोज तीन पार्टनर्स थे ए बी सी, 100% प्रॉफिट पूरी फॉर्म का और वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट 40-40-20 की रेशो में। 40-40-20 की रेशो में वो जो है प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। जो सी है वो रिटायर हो जाता है, सी का शेयर था आपका 20, तो सी का शेयर डिसाइड हुआ कि जो वो 20% है ए और बी उसे शेयर करेंगे 1:1 की रेशो में। 1:1 की रेशो में शेयर करेंगे मतलब 20 का आपने 1/2 निकालना है, उतना शेयर मिलेगा ए को और 20 का 1/2 निकालेंगे उतना शेयर मिलेगा आपका बी को और दोनों के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें वो चीज़ ऐड हो जाएगी। ये जो रेशो 1:1 है ये 2:1 भी हो सकती है, 3:1 भी हो सकती है, जैसे भी डिसाइड हुआ है पार्टनर्स के बीच में। इसकी एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:2:1। ए रिटायर्स एंड बी एंड सी रिसीव हिज शेयर इन द रेशो ऑफ 3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए रिटायर हो गया और उसका जो शेयर था वो बी और सी ने डिवाइड कर लिया 3:2 की रेशो में। तो जो ए था उसका शेयर कितना था, 2/5। 2/5 को हम डिवाइड करेंगे 3:2 की रेशो में। पहले हम निकालते हैं बी का शेयर, तो 2/5 जो ए का शेयर था उसका 3/5 मिलेगा बी को। तो 3/5 निकाला हमने 2/5 का, तो ये आया 6/25। और सेम तरीके से 2/5 का 2/5 मिलेगा सी को, तो 2/5 का 2/5 हमने निकाला तो वो आया 4/25। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर है। अब बी का नया शेयर कितना बन गया, उसका पहला शेयर कितना था 2/5। उसमें ऐड हो गया जो शेयर उसने ए का लिया वो था 6/25, तो 2/5 + 6/25 उसका शेयर हो गया 16/25। देन सी का न्यू शेयर क्या बना, उसका जो ओल्ड शेयर था वो था 1/5, जो ए का शेयर उसे मिला दैट इज 4/25, तो 1/5 + 4/25 वो हो गया 9/25। तो बी और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आई, 16
बाय 25 रेशो 9 बाय 25, तो वो आ गई 16:9। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो जाती है तो जो इंक्रीज शेयर ऑफ प्रॉफिट में हो रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स के, उस इंक्रीज को हम कहते हैं गेनिंग रेशो। तो वो रेशो जिस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर इंक्रीज हो रहा है उसे हम कहेंगे गेनिंग रेशो। कैसे कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशो के को? सबसे पहले है हमारा, अगर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है रिमेनिंग पार्टनर्स का गिवन नहीं है, तो उस केस में हम ये मानते हैं कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका गेनिंग रेशो होगा। एक्सप्लेन करते हैं इसे एक इलस्ट्रेशन से। हम एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो इफ एक्स रिटायर, वाई रिटायर्स, जेड रिटायर्स। अब इस क्वेश्चन में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर की वो गिवन नहीं है, तो जो उनकी रिमेनिंग रेशियो है उसी को हम उनकी गेनिंग रेशियो मान लेते हैं। तो जैसे सपोज अगर एक्स रिटायर हो रहा है तो गेनिंग रेशो आपकी क्या बनी, वाई जेड का रेशो क्या था जो न्यू रेशो बना, 3:2, और पुरानी भी उनकी 3:2 थी तो गेनिंग भी 3:2 हुई। वाई रिटायर हो रहा है तो 5:2, जेड रिटायर हो रहा है तो 5:3। दूसरा केस है जब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है रिमेनिंग पार्टनर्स की वो गिवन है, तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसका इक्वेशन देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। पुरानी रेशो आपको दी हुई है 5:3:2, नई रेशो आपको दी हुई है 3:2। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हम लगाएंगे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जो ए है उसकी जो न्यू रेशो है वो कितनी है, 3/5, उसकी पुरानी रेशो कितनी है, 5/10। तो 3/5 माइनस 5/10 तो आपका आएगा 1/10। सी का कितना है, उसकी पुरानी जो रेशो है वो है 2/10 और नई जो रेशो है वो है 2/5। तो न्यू रेशो 2/5 माइनस ओल्ड रेशो 2/10, तो कैलकुलेट किया आपने वो आया 2/10। तो जो गेनिंग रेशो है वो आई 1:2 की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।